बच्चे आपने ऑलराउंडर क्लासेस के स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा आप श्योर करें, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे बच्चे तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। ऑलराउंडर्स माइनस से पढ़ा रहे हैं, मतलब जीरो से भी नीचे से पढ़ा रहे हैं, तो आपको करना भी स्टार्टिंग जीरो से नीचे से ही है। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल अभी तक मेरा पहले से वीडियो नहीं देखा है, वो सारे लोग देखें वो वीडियो, तब जाके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। और जो डेली देख रहे हैं उनको कुछ डाउट्स है तो अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये YouTube पे पढ़ने का मतलब होता है कि वन वे पढ़ाई करना, यानी आप हमारी बात केवल सुन रहे हैं, यदि आपको कोई प्रश्न होता है या कोई जिज्ञासा होती है तो उसको आप हमें जब तक बताएंगे नहीं, उसमें हमें आपको फीडबैक से ही पता चलेगा आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वो क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक पीछे हमने क्या पढ़ा है आपको, आपसे मैं सामने रहते लाइव क्लास में तो मैं आपसे पूछ सकता था और समझ भी सकता था, तो आप तो लाइव क्लास में है नहीं, फिर भी आपको कुछ डाउट हैं तो ये हमारा ऑलराउंडर्स का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप करें। और एक दो चीज़ मैं बच्चे आपको बताऊँगा कि आप लाइक ज़रूर वीडियोज़ को करें, यदि आपको पसंद है तो हमें पता तो चले कि कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, यदि ज़्यादा लोग फ़ायदा नहीं उठाते तो हमारे पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपके जानकार लोग या आपकी फैमिली में आपके बच्चे आपके कोई भी, क्योंकि आपने देखा है कि ये कोर्स जो है केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए है, परिवार में जो नौकरी में है उनके लिए भी है, या जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, या जो बच्चे हाई स्कूल में हैं या इंटरमीडिएट में हैं, टेंथ में, मैट्रिक में या प्लस टू में, उनके लिए भी इक्वली यूज़फुल है। क्योंकि ये इंग्लिश का नॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ और ये मेरी रिसर्च वर्क पे है ना, मैंने इस जो रिसर्च वर्क किया है उस रिसर्च वर्क के बेस पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इतना क्लियर, इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं मिलने वाली है बच्चे, है ना। तो आप इस मेरे ओरिजिनल वर्क को, इस रिसर्च वर्क को आप यूज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल्स को ज़रूर शेयर करें। शेयर करेंगे तो और भी लोगों तक फ़ायदा पहुंचेगा, वो लोग भी देखेंगे, तो ज्ञान बांटने से जितना स्प्रेड होगा उतना हमें भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं, तभी हम उसको और भी ठीक ढंग से और भी डीप में पढ़ा सकते हैं। क्योंकि कम बच्चे रहेंगे, कम लोगों तक फ़ायदा हो, तो मुझे भी इतनी महंगी चीज़, इतनी अच्छी चीज़ आप लोगों को जो दे रहा हूँ, यदि कोई नहीं ले रहा है तो मुझे फिर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा। मैं सोना बांट रहा हूँ, सोना से भी ऊपर कहो हीरे बांट रहा हूँ, और हीरे की कोई कदर करने वाला नहीं हो तो मैं बांटूँ ही क्यों। यदि हमें पत्थर ही उठाना है या हमें कोई चीज़ ऐसे ही उठानी है तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उससे उठा सकते हैं। मैं अपनी मेहनत को, अपने रिसर्च वर्क को आप तक पहुँचाने के लिए जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी बताना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तो मुझे पता चले कि एक्चुअल में कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें मैंने पढ़ाया कि यदि हमें सिखा दिया जाए, मेरे पीछे के वीडियो देख लीजिएगा, है ना, उस वीडियो में क्लियर है। मैं आगे थोड़ा शुरू करता हूँ, हमें यदि बताया जाए ग्रामर के पहले नियम के अनुसार कि सब्जेक्ट क्या है, ए भी क्या है और कम्प्लीमेंट क्या है, तो मैं अपना एक करेक्ट सेंटेंस बना सकता हूँ सब्जेक्ट, है ना। तो मैं हमने पढ़ा था अभी कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अब एक दूसरा चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है बच्चे, ठीक है। अभी तक हम ए भी या कम्प्लीमेंट नहीं पढ़े हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये तीनों हम चीज़ जान जाएंगे, तीनों को अरेंज कर देंगे, तभी तो हमारा सेंटेंस बनेगा। तो पहले अभी इतने को पढ़ लेते हैं, तो नाउन हमने पढ़ लिया, अब प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन प्रोनाउन में अंतर कोई खास नहीं है बच्चे, है ना। जो शब्द नाउन के लिए यूज किया जाता है वही तो प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होगा कि द वर्ड यूज फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, द वर्ड यूज फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी अब मैं मान लो कि ऑलराउंडर्स हैं, मेरा नाम ऑलराउंडर्स है, तो मैं ऑलराउंडर्स अपने लिए यूज़ क्या शब्द करूँगा, मैं अपने लिए आई यूज़ कर सकता हूँ,
या हम दो चार लोग मान लो इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं तो हम उसको वी कह सकते हैं। आप कोई एक बंदा है, मान लो आपका नाम राजेश है या आपके नाम मोहित है या आपका नाम मान लो अर्चना है या आपके नाम मान लो संपदा है, जो कुछ भी है, मेल हो या फीमेल हो, तो आप अपने लिए शब्द क्या, आपके लिए मैं शब्द यूज़ करना चाहूँ तो क्या आप बोलूँगा? यू बोलूँगा। चाहे एक एक कोई सुन रहा हो या एक से ज़्यादा सुन रहा है, दोनों के लिए मैं यू ही यूज़ करूँगा। यानी जो स्पीकर है वो अपने लिए जो शब्द का यूज़ करता है, मैं अपना नाम अब ऑलराउंडर्स ना रह के मैं यूज़ कर रहा हूँ या हम यूज़ कर रहे हैं। तो यही तो नाउन था, ऑलराउंडर्स एक नाउन था और इसकी जगह पे ये वर्ड यूज़ किया गया, यानी इस वर्ड के बदले में, यानी समझो एक तरह से कि रोटी के बदले में आपने चपाती यूज किया। तो चीज़ तो वही हुई ना, इसके बदले में आप यूज़ कर रहे हो, तो वही चीज़ ये है। ऑलराउंडर्स मैं बोल रहा हूँ ये भी कह सकता हूँ, या ऑलराउंडर्स बोल रहे हैं ये कह सकता हूँ। तो इसको मैंने ना यूज़ करके जब इसको यूज़ किया तो इसी को प्रोनाउन कहते हैं। है तो देखो इसमें नाउन छुपा हुआ ही है, इतना दूर यदि स्पेलिंग देखो तो नाउन ही तो है यहाँ पे। प्रोनाउन मतलब इसके बदले में, बस। तो प्रोनाउन का मतलब हुआ कि जो नाउन के बदले में यूज किया जा गया वो प्रोनाउन है। और क्या क्या शब्द यूज कर सकता है? तो वो यूज कर सकता है स्पीकर अपने लिए आई और वी को। यदि सिंगुलर होगा तो आई कहेगा, ज़्यादा लोग बोलने वाले होंगे तो वी कहेगा, सुनने वाला एक होगा तो भी यू कहेगा, ज़्यादा होगा तो भी यू कहेगा। तो ये लिसनर्स हो गए। इसके अलावा जो भी होते हैं उनको हम ही सी इट दे, जो भी होंगे इनको हम कहते हैं नाउन के बदले यूज किया गया प्रोनाउन। तो ये वाले क्या होंगे? ये भी हमारे प्रोनाउन ही होंगे। तो स्पीकर यूज करें, लिसनर यूज करें, या अदर्स के लिए जो यूज किया जाए शब्द, वो सारा का सारा हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक है बच्चे, तो प्रोनाउन में केस समझ लो, कारक जो हमने पीछे पढ़े थे ना उसमें, नाउन में भी। तो नाउन का जो कारक हमने पढ़ा था कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, वहाँ पढ़ा था ना, वही चीज़ यहाँ पर भी पढ़ेंगे। अब पॉसेसिव केस में हमने दो पार्ट पढ़ना है, एक तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक पॉसेसिव प्रोनाउन, ये दो होते हैं। तो अब चलो मैं आई के लिए आपका नॉमिनेटिव केस, जो भी ये जो आप जो ये देखते हो ये सब नॉमिनेटिव केस है, यानी ये सब्जेक्ट होते हैं। आप हमने पढ़ा था ना पीछे कि जो भी नॉमिनेटिव केस में होगा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव केस होंगे। या ऐसे आप याद करना चाहो, आई, वी, यू और बाकी घसीट दे, ऐसे नहीं बोलते ना हिंदी में या भोजपुरी में, ऐसे बोलते हैं घसीट दे। तो याद करने के लिए सिखा रहा हूँ, ही सी इट दे, घसीट दे, जैसे भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैं तो बता ही ना हूँ आप माइनस से शुरू कर रहे हो, तो माइनस मतलब कि जैसे भी आप करके याद करना चाहो, ये आई, वी, यू, घसीट दे, ऐसा ही प्रोनंसिएशन टाइप हो रहा है ना, तो बस ये कर लो, ये नॉमिनेटिव केस होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस देखोगे तो मी होगा, यू का अस, यू का यू ही होगा, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने कल पढ़ा था ना कि नॉमिनेटिव केस का पोजिशन कहाँ पर होगा, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट होता है, प्लस ए भी प्लस कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट में आपने कल ही हम अपना पढ़ रहे थे जो नाउन वाले साथ में, कि ऑब्जेक्टिव केस में भी वही उतना ही जैसे दिखता है। तो नाउन का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, तो उसके लिए टू, विथ, फार, फ्राम, आपको याद है ये सब करके लिखते हैं। और पॉसेसिव केस लिखते हैं तो सजीव के लिए फर्स्ट ऑफ ही लगा देते हैं एस, और निर्जीव के लिए आफ लगा के अंग्रेजी उल्टा लिखते हैं, याद है ना। तो जो जो चीज़ हमने नाउन के लिए किया था उसी तरह प्रोनाउन का भी तो करना पड़ेगा। तो नाम को हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, मान लो मेरा नाम राजेश है तो राजेश को मैं यहाँ भी रखूँ, यहाँ भी रखूँ, यहाँ भी रखूँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बट यदि वो प्रोनाउन होगा तो उसका स्पेलिंग और उसका प्रोनंसिएशन चेंज हो जाएगा, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। बट है ये सात ही, सातों को याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है,
मैंने आपको बता दिया आई वी यू है, घसीट दे ही सी ईट दे, और इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लो, मी अस यू, ही का हिम, हर सी का हर, ईट का ईट ही रह गया और दे का देम हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। पॉसेसिव केस दो होंगे, इसमें आपने पॉसेसिव केस देखा था नाउन में, केवल एपोस्ट्रॉफीस लगा दो या आफ लगा अंग्रेजी उल्टा लिखो, लेकिन इसमें नहीं है इस तरह, इसमें यहाँ से देखना पड़ेगा। आई का यदि पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे तो माई होगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे तो माइन होगा। वी का आवर होगा, आवर्स होगा, योर का योर्स और योर्स होगा, ही का हिज और हिज दोनों होगा, मतलब जहाँ पे जैसे हमने वैसे ही याद करना बच्चे। सी का हर और हर्स होगा, ईट का इट्स और इट्स होगा, दे का देयर और ये सही स्पेलिंग होगा देयर का, और देयर्स होगा, ठीक है बच्चे। तो ये पॉसेसिव केस है। अब देखो, अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि नाउन ही प्रोनाउन है, नाउन ही प्रोनाउन है, मैंने जो नाउन के लिए यूज करते हैं वही अपने लिए प्रोनाउन हो गया। तो मैं बोलूँ कि नाउन को भी लाओ, जैसे ऑलराउंडर्स को भी लाओ, और प्रोनाउन ऑलराउंडर अपने लिए यूज़ करते हैं आई, तो आई को भी लाओ, तो दोनों आदमी एक साथ कैसे आएगा, है तो दोनों आदमी एक ही ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब आई होगा, मतलब जब नॉमिनेटिव केस में ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के आगे कभी भी नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आएगा, क्योंकि है तो दोनों एक ही ना बच्चे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये माइन, जैसे दिस इज माई बुक, अब आप समझो ये बुक क्या है, नाउन है, और माई क्या है, यहाँ पे देखो एडजेक्टिव है। तो नाउन और एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, बट नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आएंगे। देखो दिस इज माइन बुक, ऐसा करना चाहे तो नहीं कह सकते ना बच्चे, देखो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि माइन देखो पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब बोलोगे सर यहाँ पे नाउन में तो एपोस्ट्रॉफी या ऑफ लगा कर लेते थे, यहाँ पे दो का क्यों करना पड़ा, इसी रीजन से करना पड़ा बच्चे, क्योंकि एक से काम नहीं चल सकता। यदि वो प्रोनाउन हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया, तो नाउन के साथ आ ही नहीं सकता, तो नहीं आएगा, इसलिए हमको माई बुक लगाना पड़ा, दिस इज माई बुक, दिस इज माइन बुक जो बोलेगा वो अंग्रेजी गलत हो जाएगी, या ऐसे लिख लो माई बुक इज ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे माई बुक आपने लिख दिया, तो माई हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव और बुक हो गया नाउन, तो ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। बट यहाँ मैं कहूँ माइन बुक इज ब्लैक, तो यहाँ माइन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन, तो माइन मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन और बुक मतलब नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं रह सकते, यानी नाउन के ही बदले में प्रयोग कर रहे हैं, जब बदला करना ही नहीं है तो एक साथ क्यों रखें, दैट इज वाई ये डबल रखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से याद कर लो और आपके सेंटेंस क्लियर होते जाएंगे। हिंदी में यदि इसको रिलेट करें तो नॉमिनेटिव केस में जब भी आएंगे इसका अर्थ ने से निकलेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव केस में कोई आएंगे तो काके की से निकलेगा, और पॉसेसिव केस में आएंगे तो पॉसेसिव केस में कर्ता वही रहता है यानी आई ही रहता है, तो अपने लिए वो जो वर्ड यूज़ करेगा, अपने लिए जो उसका भाव निकलेगा वो अपनी निकलेगा, है ना। माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, तो दिस इज माइन का कहने का मतलब क्या कहना चाहता है, वो जो बुक है ना, बुक है, माई बुक है, उसको दिखा के कहना चाहता है कि वो माई बुक है, तो माई के बजाय माइन कह दिया, दिस इज माइन मीन्स दिस बुक इज माइन, ये इसका मतलब हुआ, है ना। तो वो अपने लिए पॉसेसिव केस में अपने लिए यूज़ करता है तो ये शब्द आएगा अपनी, या कर्ता बदल जाने पर मेरा, मेरी, मेरे आएगा, यानी कर्ता मतलब आई ना हो ऐसे ये कहना चाहता है तो मेरा, मेरी, दिस इज माइन, दिस इज माइन, या तो यह मेरी किताब है या मेरी है, ये मीनिंग निकाल कर रहा है, ठीक है। अब चलो इसकी भी पार्सिंग कर लो, जैसे आपने बच्चे नाउन की पार्सिंग सिखाया था ना, सात्विक का वर्ड का आपने पार्सिंग किया था, उसी तरह मैं एक आपको ही वर्ड देता हूँ, इसकी पार्सिंग कर लो। कंजूसी नहीं करना प्रैक्टिस में, आप सोचोगे कि जल्दी जल्दी मैं पढ़ के
सारा एक ही दिन में मैं नॉलेज ले लूँ। अब बताओ बच्चे, एक ही दिन में हम सारा भोजन कर लेंगे तो क्या हमारे में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी? सारे दिन का भोजन एक बार में ही कर लो तो क्या ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी? या एक हफ्ते का भोजन एक बार में कर लोगे तो ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी? नहीं आएगी ना बच्चे, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसी तरह आप बोलोगे सर मैं तो प्रोनाउन समझ गया, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट और नाउन एज ए सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट तो आपने मुझे सिखा दिया सर, ये तो मेरे लिए अब इतना से काम हो जाएगा। मैं बोला बिल्कुल काम होगा, बट आप, मैं बताया हूँ कि जितना जल्दी सीखते हो उतना जल्दी भूल भी जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको डाइजेस्ट नहीं किया। उसको एक बार प्रैक्टिस तो करो, मेरे सामने प्रैक्टिस करो। चलो मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, ही, पॉज कर लो अपना वीडियो और ही वर्ड पे प्रैक्टिस करो। मैं ही दे दिया, इसको बताओगे सब्जेक्ट नंबर जेंडर पर्सन केस। चलो बताओ, ही इज ए प्रोनाउन बिकॉज दिस वर्ड इज यूज फॉर नाउन। ही एक प्रोनाउन होता है, क्यों? क्योंकि यह नाउन के बदले में यूज होता है। मतलब मान लो एक लड़का है मनोज, तो मनोज के लिए हम मनोज वर्ड ना कह के ही वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस नाउन के बदले में यूज किया। तो पहला निकल गया, ही इज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में ही है। क्यों? क्योंकि यह नॉमिनेटिव केस में ही एक सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से नंबर, नंबर नंबर क्या कहता है कि ही एक सिंगुलर नंबर है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, देखो ये हमारे सिंगुलर हो गए, ये हमारे प्लूरल हो गए। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा आदमी के बारे में बात करना है, तो सिंगुलर है, तो ही इसमें आ रहा है ना, तो ही इज ए सिंगुलर नंबर। और इज ए मैस्कुलिन जेंडर, यदि जेंडर पूछूं तो मैस्कुलिन जेंडर होगा। पर्सन पूछूं तो थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, बाकी ये सारे थर्ड पर्सन है ना बच्चे, यही तो हमने पढ़ा है, आई और वी फर्स्ट पर्सन ऊपर हमें। तो यहाँ पे ही क्या, ही इज ए थर्ड पर्सन बिकॉज, क्योंकि यह स्पीकर और लिसनर के अलावा है। स्पीकर और लिसनर के वर्ड होते हैं, ये स्पीक करता है, ये लिसन करता है, इसके अलावा वर्ड यूज होता है ये ही सी इट दे, तो ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए, तो इसलिए हम इसको कहेंगे। अब इसको आप लिखोगे ना तब वो पीछे की चीज़ रिवाइज हो रही है। उसके साथ द वर्ड, दिस वर्ड इज यूज, दिस वर्ड इज सब्जेक्ट सो दैट इट इज़ इन नॉमिनेटिव केस एंड इट्स मीनिंग इज उसने। जैसे ही का, ही इज अ डॉक्टर ना, तो ही मतलब उस, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ही है, तो इसका नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के रूप में ही होगा। और इधर आएगा कहीं हम बाद में यूज करेंगे तो ये पोजिशन अपना चेंज करेगा, तो ये हीज लिखेगा, हिम लिखेगा, क्या लिखेगा वो इधर आएगा, बट सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस तो यही होगा, है ना। इट्स ऑब्जेक्टिव केस हिम एंड इट्स मीनिंग इज टू हिम, विथ हिम, फॉर हिम, फ्रॉम हिम, और या फ्रॉम हिम, फ्रॉम मतलब अलग के अर्थ में, जब कोई चीज़ यहाँ से उठ के वहाँ जाती है तो फ्रॉम बोलते हैं ना, और यही चीज़ यहीं से यहीं अटैच हो जाती है तो विथ बोलते हैं। दोनों का मीनिंग से ही हिंदी में होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस पे बोलते हैं ना। और पॉसेसिव केस इसका हिम होगा, है ना बच्चे, और उसका कर्ता अपने रहने पर, अपनी और कर्ता दूसरे होने पर उसका, उसकी होगा, ठीक है। ये आपका ही का हो गया। अब देखो, मैंने डीप में आपको न तो नाउन पढ़ाया है और न डीप में मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, वर्ब क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, ये हम सारा वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्यों यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमने आपके साथ कहा है कि ग्रामर का पहला नियम अभी हम सीख रहे हैं। ग्रामर का पहला नियम क्या है कि यदि सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और कम्प्लीमेंट, इस तरह यदि शब्दों का अरेंजमेंट कर दिया जाए तो एक सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तब आपको यहाँ पे मैं शब्द दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन होगा, इसलिए हम इतना जल्दी और इतना ब्रीफ में पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अब आप उसी चीज़ के लिए आगे देखो कि क्या और भी चीज़ें सब्जेक्ट हो सकती हैं। हाँ हो सकती हैं,
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट। अभी जो आपने प्रोनाउन पढ़ा तो प्रोनाउन के कई पार्ट्स, में बताया ना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसमें प्रोनाउन के भी कई पार्ट होते हैं, तो हमने जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल में दो होते हैं। एक होता है दिस, इसका प्लूरल फॉर्म दीज, एक होता है दैट, इसका प्लूरल फॉर्म दोज। नज़दीक के शब्द में कोई एक चीज़ दिखाना चाहोगे तो दिस बोलोगे, ज़्यादा होंगे एक से ज़्यादा लेकिन नज़दीक है तो दीज बोलोगे, दूर है तो दैट, और उसका प्लूरल है दूर तो दोज। ठीक है बच्चे, अब इसका देखो, दिस और दैट, ये दिस और दैट को अब इस तरह यूज करना चाहो, ये मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर, इसमें आप बोल सकते हो हीज, हर, इट्स, जैसा भी जेंडर होगा। जैसे दिस इज अ बॉय, हो गया। अब इसके आगे बोलना चाहेंगे हिज कैप इज रेड, तो इस बॉय के लिए आपने दिस का यूज किया क्योंकि ये दिस है, नज़दीक है, मेरे पास है, एक बंदा है, और इसके लिए अब आगे यूज करेंगे तो हीज का यूज करेंगे क्योंकि ये बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे हीज यूज होगा। तो ये इसके लिए बताया गया, ठीक है, हीज, हर, इट्स, ठीक है। इसी तरह दीज, दोज होगा, इसके लिए पॉसेसिव केस कोई भी जेंडर हो, ये नहीं कि मैस्कुलिन हो तो अलग, फेमिनिन हो तो अलग, न्यूट्रल हो तो अलग, नहीं, ये मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूट्रल के लिए सिर्फ सिंगुलर में ही हीज, हर, इट्स होता है, बट ये प्लूरल हो यदि सभी के लिए देयर का यूज होगा, जैसे कि दिस आर चिल्ड्रेन, देखो दिज हो गया हमारा, ये इसका दूर, नज़दीक के अर्थ में ज़्यादा लोग, चूँकि चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, और इसको लिखेंगे देयर स्कूल इज, देयर स्कूल, या कुछ ऐसे हम लिख देंगे आपको और कंफ्यूजन ना हो, देयर बुक्स आर, देयर बुक्स आर पिंक, ऐसे लिख दो। तो ये सभी के लिए, चाहे चिल्ड्रेन होगा तो भी देयर लगा देंगे, और दीज आर पेंस, है ना, देयर, देयर पेन का कैप बोल दूं, देयर कैप्स आर डर्टी, ऐसे लिख दूं। तो मैं पेन के लिए देयर का यूज़ किया, यानी ये तो सजीव था, चिल्ड्रन सजीव था, फिर भी हमने देयर किया, निर्जीव था तो भी देयर किया। यहाँ पे जबकि सिंगुलर में होते हैं तो अलग कहते, ईट कहते या हर कहते या अलग होते तो अलग कहते, बट प्लूरल सेंस में केवल एक ही यूज होगा, देयर, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि सर अभी आपने सिखाया था कि प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आएंगे, और मैं तो देखता हूँ कि दिस बॉय, दिस बॉय इज ऑनेस्ट लिखा जाता है, यदि लड़का ईमानदार है तो दिस बॉय इज ऑनेस्ट, तो दिस तो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया और बॉय नाउन हो गया, ऐसा क्यों आ गया, क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। बच्चे ये नाम यहाँ पे बदल गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब बोलो सर स्पेलिंग तो दोनों की एक ही, हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चीज़ें हम सीखेंगे कि एक ही चीज़, एक ही मतलब स्पेलिंग, जैसे ड्रीम है, ड्रीम को मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये नाउन है, आप कहीं देखोगे किसी अन्य किताब में या डिक्शनरी में तो आपको लगेगा कि ये ड्रीम वर्ब है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत गरीब लोगों की लैंग्वेज है ना बच्चे, तो इन्होंने एक ही शब्द से कई काम चला लेते हैं, देखे ना इनके पास केवल 26 लेटर हैं, इसमें पूरा काम चला रहे हैं। हिंदी हमारी कितनी
अमीर है, 46 लेटर, 54 लेटर, 56 लेटर से काम चलाती है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तरह से देखा तो इनका दुगना हमें सीखना पड़ता है हिंदी में, है ना। तो इसीलिए इनके एक ही चीज़ से कई काम चलते हैं। देखते हैं ना, हमारे पास चम्मच अलग होता है, हमारे पास जो करछी होती है अलग होती है, जो छनाटा होता है अलग होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को स्पून ही बोल देते हैं। एक ही चीज़ से ये सारे चीज़ को कवर कर लेते हैं, नहीं बच्चे। तो इसलिए ये लोग गरीब हैं, इंग्लिश एक गरीब लैंग्वेज है, कमज़ोर लैंग्वेज है। और कमज़ोर लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, देखो कितनी हल्की बात है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ को हम इतना मजबूत बांध के बैठे थे। सबसे आसान लैंग्वेज को हमने सबसे कठिन समझ रखा था, ईजी है ये। दिस एक प्रोनाउन भी हो जाएगा जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस यहाँ पे जब यदि नाउन के साथ आ जाएगा तो अब इसको प्रोनाउन मत कहना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे ड्रीम आपका नाउन भी हो जाएगा, ड्रीम आपका वर्ब भी हो जाएगा, प्रयोग के ऊपर है। उसी तरह दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो जाएगा और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। इसलिए यहाँ पे दिस बॉय, दीज बॉयज, क्योंकि दीज होगा प्लूरल तो बॉयज भी होगा प्लूरल, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए है ना बच्चे, प्रोनाउन नहीं है ये। प्रोनाउन होगा तो अकेले ही रहेगा, जैसे दिस इज ए बॉय, तो दिस इज ए बॉय मीन्स दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव ये प्रोनाउन है, दिस इज ए बॉय। बॉय एक नाउन है और यहाँ पे जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना बच्चे। और दिस बॉय एक साथ कह देंगे दिस बॉय, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन नहीं हुआ, ये नाउन हो गया, बट ये दिस अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सब एग्जाम में आपसे नहीं आता है, ये नहीं पूछता है। मैं तो जस्ट चूंकि माइनस से शुरू कर रहा हूँ इसलिए एक एक चीज़ के ऊपर आप तो फोकस किए जा रहा हूँ कि फ्यूचर में ये सब वर्ड यूज होंगे, क्योंकि अब आप बन जाओगे डॉक्टर, इंग्लिश के डॉक्टर। कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा, चाहे मैं भी लिखूँ या कोई भी लिखे, आप तुरंत पहचान लोगे कि इसमें ये गलती है या इसमें ये चीज़ कमी है या इसको ऐसे हमें करना चाहिए। अभी तक आपको नहीं पहचानते हो। अभी डॉक्टर क्या होता है, वो एक एक चीज़ को पढ़ता है, एक एक चीज़ को पढ़ता है, हर चीज़ पे आप सिर्फ एक हड्डी समझते हो, वो हड्डी को भी अलग अलग बाइफर्केशन करके पढ़ता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। उसी तरह आप हर चीज़ को, जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा कल को, ये जी द क्या है, वर्ड क्या है, विच क्या है, एड्स क्या है, समथिंग क्या है, सब आप पकड़ लोगे कि ये चीज़ क्या है। इस पकड़ने के लिए ही मैं आपको अलग अलग इसका सैंपल दिखा रहा हूँ, अलग अलग बातें बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने समझ लिया। अब एडजेक्टिव को भी हमें दो तरह से यूज करना पड़ता है, एडजेक्टिव को भी दो तरह से यूज करेंगे। कौन कौन से यूज होंगे, एक होगा एट्रीब्यूटेबल यूज और एक होगा प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब क्या होगा कि जब हम इधर लिखेंगे ना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है, हमने आपको क्या सिखाया है, ए भी होता है और कम्प्लीमेंट होता है, ये प्रेडिकेट बोलते हैं कि जो कुछ भी बचता है उसको प्रेडिकेट ही कह दो। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचता है वो प्रेडिकेट ही होगा, ऐसा मानते हैं, तो हम ऐसा कह देते हैं। मतलब ये बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में कोई चीज़ आती है जहाँ पे वर्ब हो या कोई चीज़ और हो तो वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव मीन्स बाद का यूज, सब्जेक्ट के बाद का यूज, ठीक है। अब सब्जेक्ट से पहले ही उसको लिख दो, कोई सब्जेक्ट से पहले लिख दो तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव मतलब कि किसी का गुण बताना, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी का गुण बताना, तो गुण बताने के अर्थ में, विशेषता बताने के अर्थ में। वैसे हिंदी में एडजेक्टिव का मनन, जिसे आपने प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम समझा, उसी तरह हिंदी में एडजेक्टिव का अंतर विशेषण होता है बच्चे, ठीक है। तो ये विशेषता बताने के लिए विशेषण कहते हैं। तो किसी के बारे में विशेषता बताओगे, यदि पहले रख दोगे उसके बारे में वर्ड, तो वो फिर एट्रीब्यूटेबल यूज हो जाएगा, यानी कोई लीडर है ना, लीडर कोई है आपका, वो ऑनेस्ट है मान लो, तो वो, या कोई लीडर है, अच्छा लीडर है, दिस लीडर इज गुड, है ना, अच्छा लीडर है,
इस गुड को, इसके बारे में अब ये यहाँ पे आके बता रहे हो, गुड यहाँ से पता चला, या दिस लीडर इज बैड, दिस लीडर इज बैड, तो यहाँ पे पता नहीं चला, पता हमको प्रेडिकेट में आके चला, यानी सब्जेक्ट के बाद में कहीं यूज हुआ। अब हम यही आगे इसके साथ ही लगा दें, गुड लीडर या बैड लीडर या फिर बोल्ड लीडर या ऑनेस्ट लीडर, इसके एक ही साथ लगा दें, तो ये इसको बोलते हैं एट्रिब्यूटेबल यूज ऑफ एडजेक्टिव, और इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो विशेषता कहीं भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, यानी बड़ाई किसी की करनी है, किसी की बड़ाई करते हो ना, अच्छा आदमी है, या बोलोगे कि ऑलराउंडर अच्छा पढ़ाता है या ऑलराउंडर खराब पढ़ाता है, तो जो भी किसी की बुराई या बड़ाई या विशेषता या कमी, कहने को भी एक तरह से गलत निगेटिव विशेषता ही कहते हैं, तो यदि उसके साथ साथ कर रहे हो, सामने सामने उसको एडजस्ट करके एक ही साथ अरेंज करके, तो एट्रिब्यूटेबल यूज, उसको बाद में कर रहे हो तो प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, तो इतने से ही हमारा काम हो जाएगा बच्चे, हम सब्जेक्ट की जो अभी पहला जो चीज सीख रहे हैं सब्जेक्ट का, चूँकि हम माइनस पर पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अभी छोटा सा ही माइनस पढ़ेंगे, तो अभी हमारा सब्जेक्ट में हम अपने आपको देख लिया, सब्जेक्ट में हमने क्या क्या देखा कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, एट्रिब्यूटेबल यूज करके वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो चार चीज़ें अभी हमने सीख लिया, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीख लेते हैं भाई, अब ऑक्सिलरी वर्ब भी बता दो सर कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं, ताकि उसको भी हम सीखें, तब जाके हम सेंटेंस बनाएं। तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही होता है जो मैंने सिखाया। ऑक्सिलरी वर्ब का पोजिशन पाँच हो सकता है, इसको फाइव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, वर्ब समझो, ऑक्सिलरी मतलब सहायक, सहायक जो सहायता करती है, इसका यूज अपना कोई मतलब नहीं होता है, जब इस वर्ब के साथ आती है तो मतलब होता है, कभी कभी ये वर्ब होगा ही नहीं, इसलिए इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ ही कह देंगे, ए भी कह देंगे। तो वर्ब के पांच फॉर्म क्या होंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आपने वर्ब के तीन फॉर्म पढ़े होंगे ना, आप तीन फॉर्म कहते हैं कि राइट, वोट, रिटन, ये तो आप पढ़ते हो बच्चे, है ना, आप पढ़ते हो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यही तो पढ़ते हो, या बोलते हो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, यही तो पढ़ते हो बच्चे। मैं थोड़ा सा एक और नया इधर भी जोड़ दे रहा हूँ और एक नया इधर भी जोड़ दे रहा हूँ, हालांकि ये नया नहीं है, इन्फिनिटिव इसको कहते हैं या इनडेफिनिट कह लो, इन्फिनिटिव, ये इनडेफिनिट को आप इन्फिनिटिव समझो तब क्लियर आपको समझ में आएगा, इन्फिनिटिव नॉट इनडेफिनिट, इन्फिनिटिव, ठीक है, इनडेफिनिट नहीं, इन्फिनिटिव इसको करेक्ट कर लो, इन्फिनिटिव और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यानी टू लगा देते हैं किसी भी प्रेजेंट फॉर्म के साथ, जो ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ यदि टू लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखोगे तो इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाएगा, और यदि प्रेजेंट फॉर्म का जो प्रेजेंट फॉर्म है जैसे है राइट, यहाँ पे लिखे इसमें आप आई एन जी लगा दोगे तो राइटिंग हो जाएगा, है ना, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी टू लगाए तो इन्फिनिटिव फॉर्म, आई एन जी लगा दिए तो ये आई एन जी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा, है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल बोले तो थर्ड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें कोई वर्ब नहीं है, मैंने पहले एक ही वर्ब लिया, वर्ब है बी, टू बी बोलते हैं वर्ब को, टू बी, और टू बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, ये टू बी वर्ब का फॉर्म होता है बच्चे, टू बी मतलब होना, जिसके साथ टू लगा होगा वर्ब से पहले तो अर्थ देगा नाने नी का,
जिसे टू राइट मीन्स लिखना, टू रीड मतलब पढ़ना, टू लाफ मतलब हंसना, है ना। तो ये इस तरह का मीनिंग देता है ना, टू बी फॉर्म। तो टू बी फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होगा इज एम आर। देखो इस राइट का तो स्पेलिंग यहाँ पे राइट है, मतलब इसके जैसा ही है, रीड का यहाँ पे रीड जैसा है, या लाफ का लाफ, लाफ ही यहाँ पे लिखेंगे, टू लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, ना, या लाफिंग ऐसे लिखेंगे, है ना बच्चे। लेकिन इस टू बी फॉर्म का, टू बी का अलग से कुछ लिखना चाहो तो नहीं होता है, इसलिए ये टू बी का ही प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है, वाज वर होता है, वर, वाज को तो वाज पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं इसको, वर, या कहीं पे आप लोग वेयर भी पढ़ते हो, बट एक्चुअल में इसको पढ़ना चाहिए वर, है ना, ठीक है। आप जैसा भी पढ़ो, हम तो करेक्ट इंग्लिश लिख रहे हैं, कोई ज़्यादा प्रोनंसिएशन से फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऑटमन, है ना, ऑटमन ऐसे पढ़ लेते हो, या ऑटम पढ़ो, करेक्ट, तो ऑटम ही वर्ड है ना, हम ऑटमन पढ़ लेते हैं। तो ये पढ़ने का कोई भी पढ़ रहे हो, हालांकि प्रोनंसिएशन विधि साथ साथ ठीक से लिखो पढ़ो तो वो भी अच्छा है, और लिखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, स्पेलिंग पे या ग्रामर के रूल पे फोकस किया जाता है, ये नहीं कि प्रोनंसिएशन अटमन अपने कर दिया ऑटम को तो गलती हो जाएगा, नहीं, ये तो बोलते जब स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा तब इन सब चीज़ों पे हम फोकस कराएंगे। अभी आप कुछ भी पढ़ो रूल पे बेस्ड है, रूल पे फोकस करो, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह वर पढ़ लो या वेयर पढ़ो, वो बाद की बात है, अभी हम इसको वाज और वर और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन पढ़ेंगे और प्रेजेंट बीइंग होगा, ठीक है। इस बी का ही, बी का फॉर्म इज एम आर, वाज वर, बीन और बीइंग होगा, ठीक है, आप समझ गए, ओके। तो ऑक्सिलरी वर्ब में इसी को हम पकड़ेंगे, इसी फॉर्म को, टू बी के फॉर्म को पकड़ेंगे, पहले इज एम आर, वाज वर, इसको पकड़ के हम अपना काम चलाते हैं बच्चे अभी, ठीक है। तो ये वर्ब के पांच फॉर्म हो गए, इसको आपने देख लिया। टू जोड़ने से क्रिया में इनडेफिनिट नहीं कहो, इसको इन्फिनिटिव कहो, ना, इसको सब जगह अमेंड कर लो, मैं इसको अमेंड करा दूंगा, इसको इन्फिनिटिव कहो, इन्फिनिटिव, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, है, इन्फिनिटिव ऐसे, ये गलत हो गया, इन्फिनिटिव ऐसे, इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव बनाने के लिए आपको वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में टू जोड़ना पड़ता है, आईएनजी फॉर्म जोड़ना पड़ता है, तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनेगा। तो आपने क्या वर्ड सीख लिया, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। अब बोलोगे सर फ्यूचर फॉर्म तो आपने बताया ही नहीं, सर फ्यूचर फॉर्म क्या होगा, बच्चे फ्यूचर फॉर्म होता ही नहीं है, फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है, तो सर फ्यूचर का यूज कैसे करेंगे। तो जो बच्चे फ्यूचर का सेम, फ्यूचर का जो फॉर्म होता है ना, जो शेप होता है या पहचान या चिन्ह होता है, वो सिर्फ होता है शैल और विल, ये फ्यूचर का चिन्ह होता है बस। इस चिन्ह में ही आप जोड़ दोगे उस फॉर्म को, यानी आप फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी का टू बी होता है, तो टू हटा दो, इन्फिनिटिव कहते हैं ना, इन्फिनिटिव का विदाउट टू लिख दो, यानी बी लिख दो। आपने फर्स्ट फॉर्म क्या पढ़ा, टू बी, अब मैं बोल रहा हूँ कि टू को रिमूव कर दो और इस फॉर्म को फ्यूचर के चिन्ह के साथ जोड़ दो। फ्यूचर का चिन्ह क्या होगा, शैल और विल, तो इसके साथ जोड़ दो, शैल भी और विल भी, तो ये आपका फ्यूचर का रूप नहीं हुआ, फ्यूचर का फॉर्म नहीं हुआ, बट फ्यूचर की चीज़ों को शो करने के लिए आप यहाँ से उठा लोगे, ठीक है। ये बेसिक से भी मैं बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे स्पीड में, तो ये चीज़ें आपके काम वहाँ पर आएंगी, वहाँ मैं रिवर्स नहीं हो पाऊँगा, इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी बात को जो बता रहा हूँ उसको समझते जाओ बच्चे, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि ए भी क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपको मैंने सिखाया कि यदि हम टू बी वाला फॉर्म का देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको प्रेजेंट में हम लिखेंगे इज एम आर, यदि पास्ट में हम देखें, पास्ट में, तो हम लिखेंगे वाज और वर,
और फ्यूचर तो फॉर्म होता नहीं है, बट फ्यूचर में हमें यूज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? फ्यूचर का जो चिन्ह होता है शैल या विल, उसके साथ ये बी फॉर्म विदाउट इन्फिनिटिव लगा देंगे, यानी बी लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, शैल बी और विल बी, तो ये हमारे ऑक्जिलरी वर्ब अभी काम करने वाले हैं। अब ऑक्जिलरी वर्ब को हमें जोड़ना पड़ेगा किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट के साथ। यानी दोनों ही इसको आगे पीछे जोड़ने वाली चीज़ें हैं। जैसे आप समझ लो कि आपका ये इंजन है, रेलवे का इंजन है, और ये रेलवे के कुछ गार्ड बैठे हुए हैं ना, पीछे झंडी दिखाने के लिए। बीच में डब्बे को जोड़ोगे ना, मान लो एसी का डब्बा आपने जोड़ा, तो इस डब्बे को किससे ध्यान दे के जोड़ना है? आपको सब्जेक्ट के साथ ध्यान देना है कि गार्ड के साथ ध्यान देना, ये यहाँ पे फोकस करना होता। तो बच्चे हम इसको देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ए भी लगाओ, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ प्लूरल ए भी लगाओ। ये वाला पहले हम ध्यान देते हैं बच्चे, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगाओ। बस अभी हम इधर वाला देख लेते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, क्योंकि हमने अभी सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके साथ जस्ट ए भी पढ़ लिया हमने। ये हमारी ए भी हो गई, प्रेजेंट की ए भी हो गई इज एम आर, पास्ट की ए भी हो गई वाज वर, और फ्यूचर के लिए ए भी हम यूज़ करेंगे तो फ्यूचर के चिन्ह के साथ बी लगा के, तो शैल बी और विल बी लिख देंगे। इज इट क्लियर बच्चे? तो अब देखो, मैंने ले लिया प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, या मैं नाउन एज ए सब्जेक्ट ले लिया। अब मैंने मान लो ले लिया गार्गी, गार्गी एक नाउन है, और गार्गी का प्रोनाउन क्या होगा? यदि ये फीमेल है तो इसका प्रोनाउन होगा सी। अब ये सब्जेक्ट है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। यदि ये सब्जेक्ट क्योंकि गार्गी एक सिंगुलर है तो हमारा प्रेजेंट में ये सिंगुलर आएगा, इज लिखेंगे, सी इज लिखेंगे, या गार्गी इज लिखेंगे, ये इसकी मतलब है, या ही इज लिखेंगे। यदि दे लिखना पड़ा, दे एज ए हमारा प्रोनाउन लिखना पड़ा, तो उस प्रोनाउन में हम आर लिखेंगे क्योंकि ये प्लूरल हो गए, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो ए भी प्लूरल। ये समझ रहे हो बच्चे? तो एस 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 ऐसे बोलते हैं, मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर ए भी, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ए भी, ठीक है। अब देखो बच्चे, सारा चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट में देखो तो इज एम और आर आपका है, यहाँ पे देखो पास्ट में तो वाज और वर है, और फ्यूचर में देखें तो शैल बी और विल बी हमने लिख दिया, शैल बी और विल बी, ठीक है बच्चे। देखो सब में तो दो दो ही है ना, यहाँ पे तीन क्यों हो गया? ये तीन बच्चे एक आदमी के लिए ही आ गया, एक ही आदमी है आई, आई मतलब महान, महान भी नहीं महानतम। आई के साथ स्पेशल प्रेजेंट में जब राजा होता है ना बच्चे, सबको हिला के रख देता है। अब जिस समय अकबर रहे होंगे, आप समझते होंगे किसी व्यक्ति को जब भी सांस भी लेना होगा तो उनसे पूछ के लेते होंगे। अब अकबर नहीं है, उसी रोड को तुम चेंज कर दो, अकबर एक बार भी नहीं बोल रहा है मेरे नाम से तुमने चेंज क्यों कर दिया, मेरे नाम से तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरा नाम अल्लाह के साथ हो अकबर बोलना पड़ता होगा, या जो कुछ भी। आई मीन कि ये राजा इतने अपने आप को बच्चे पावरफुल समझते हैं ना, कि अपने लिए ना वो सिंगुलर होने के बावजूद भी होते एक आदमी है, लेकिन प्लूरल की तरह यूज करते हैं, मतलब हम यूज करते हैं, हाय एक आदमी, हम खाना खाएंगे, हम पानी पिएंगे, अरे हम मतलब क्या, एक आदमी हो यार, ठीक है। एक बंदा मेरे से बोल रहा था, अब मैं किसी बंदे को नाम नहीं लूँगा, हो सकता है वो बच्चा मेरे साथ पढ़ भी रहा हो, वो बोल रहा है कि हम लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके क्लास को करना चाहते हैं, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या समझ रहा था कि हम लोग मतलब उसका एक पूरा टीम होगा, उसके पूरे ग्रुप होगा, वो हम मतलब कि 10-20-50 लोगों के बारे में बात कर रहा होगा। हमने पूछा कि आपके साथ कितने क्लास में जो बच्चे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल रहा है मैं अकेले हूँ तो राजा की तरह बोल रहा था ना, है अकेला और हम शब्द का यूज़ कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब प्रेजेंट में कोई चीज़ होता है ना, अपने को राजा समझता है ना, तो वो इज भी अपने साथ नहीं लगा सकता, आर भी नहीं लगा सकता। इज लगाने से लगता है कि मैं तो छोटा हो गया, और आर लगा नहीं सकता क्योंकि एक ही आदमी है, तो उसके लिए स्पेशल एक वर्ड ही बनाया गया है, वो वर्ड केवल आई के साथ ही लगता है, एम,
और किसी के साथ लगता ही नहीं। लो ये राजा है, ये महान है, ये अपने को प्रेजेंट में जब तक रहता है ना बच्चे, तब तक स्पेशल इसके लिए बंगला, स्पेशल गाड़ी, स्पेशल सब कुछ, तो स्पेशल अंग्रेजी के वर्ड भी लगाना पड़ा, आई एम, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंट में आई के साथ आई एम लगाते हैं, बट पास्ट जब आएगा तो आई के साथ वाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा नहीं देते, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। ये आई जब जब देखते हैं ना, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है बच्चे, जब तक बल्ब है जल रहा है तब तक उसकी वैल्यू है। कोई 100 वाट का बल्ब है तो ज़्यादा ही दिखेगा उसका पावर, कोई 500 वाट का है, कोई 1000 वाट का है, कोई 0 वाट का है, 5 वाट का है, तो जैसा बल्ब होगा वैसी रोशनी देता है प्रेजेंट में। लेकिन जब फ्यूज हो जाता है ना बच्चे, तो चाहे 0 वाट का हो या 1000 वाट का हो, सबकी वैल्यू बेकार हो जाती है, फिर वो पास्ट हो गया, वाज हो गया। तो वाज मतलब अब आई वाज लगेगा, अब ये हीरो नहीं बन सकता कि मेरे लिए एक अलग वर्ड लाओ, ना वाज लगाऊंगा ना वार लगाऊंगा, मेरे लिए ना एक कुछ और कुछ लाओ, ओजोन लाओ, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में जब तक था तब तक सबको हिला के रखा था, इसलिए इसने आई लग गया, तो आई के साथ आई एम लगाना पड़ा, अदरवाइज और किसी के साथ आई एम लगता ही नहीं है, ठीक है ना बच्चे, प्रेजेंट में। तो आई एक प्रेजेंट टेंस में अपने को डिफरेंट तरह यूज़ करता है, हमने कुछ बताया इसका रीजन क्या हो सकता है। जैसे संस्कृत में अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, अश्मि है ना, तो इसे इसी तरह अरबी में इस्मी बोलते हैं, यानी आई के लिए एक अलग वर्ड है ही, यहीं से उत्पत्ति हुई, अश्मि या इस्मी, मतलब ए एम से यहीं से वर्ड ले लिया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की खुद की अपना कुछ भी नहीं है, ये दूसरों से बार्गेन करके, दूसरों से चुरा के, छीन के, या कब्जा करके, या कुछ अपना थोड़ा सा आइटम रख के, बस थोड़ी सी ओरिजिनलिटी है, बाकी सब, जब कभी अंग्रेज विश्व पर राज्य करते थे तो सारा विश्व उनका होता था, क्या उनका विश्व था, नहीं था, वो तो सिर्फ थोड़े समय के लिए ले लिए थे ना, उसी तरह उनकी भाषा भी ये छोटी सी भाषा है, लिया बहुत चीज़ों से है, संस्कृत से ले लेंगे, हिंदी से ले लेंगे, अरबी से ले लेंगे, लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से, सब भाषाओं से ले लेंगे, इसीलिए वो रीच हो गए, इसीलिए उनके अंदर बहुत सभी लोगों को ये सीखने की ज़रूरत पड़ गई। तो इसीलिए आई के साथ अस्मि, ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, इन्होंने एम ले लिया, या इस्मी में इस्मी का यहाँ से एम ले लिया, तो ये वर्ड ही यहाँ पे आई के साथ चल गया, ठीक है, ये स्पेशल वर्ड एम है। बाकी बाकी चीज़ों को देखो, मैंने आपको ही सी ई टी ए सिंगुलर होते हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, वी दे प्लुरल होते हैं इसलिए वर्ब प्लुरल लेगा, एक फिर और बीच में हो गया यू। अब यू क्या हो गया, यू सिंगुलर भी है और यू प्लुरल भी है, यू सिंगुलर भी है, यू प्लुरल भी है। जब एक बच्चा मेरा कोई है तो हिंदी में तो तुम कहेंगे या तुम लोग कहेंगे, है ना, हिंदी में तो दो शब्द यूज हो सकते हैं, बट इंग्लिश में केवल यू ना, सिंगुलर के लिए भी एक ही या प्लुरल के लिए भी एक ही, इसलिए इसको प्लुरल ले लिए, कि पता नहीं कन्फ्यूजन होता रहे, इससे अच्छा है कि इसको प्लुरल सेंस में यूज कर दो। तो यू को हमेशा हम प्लुरल सेंस में देते हैं, यानी यू के साथ ना तो इज आएगा ना एम आएगा, हमेशा आर आएगा या वर आएगा, ठीक है, यानी प्लुरल सेंस हमेशा लेंगे। इज इट क्लियर बच्चे? तो अब आपको सब्जेक्ट भी समझ में आ गया और ऑक्सिलरी वर्ब भी समझ में आ गया, दो चीज़ समझ में आ गई ना, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो सकता है। अब मुझसे आप कंप्लीमेंट भी सीख लो, ताकि आज कुछ आप सेंटेंस बनाओगे मेरे सामने, ठीक है। अब कंप्लीमेंट क्या हो सकता है, कंप्लीमेंट भी नाउन हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट नाउन है ना बच्चे, उसी तरह कंप्लीमेंट भी नाउन हो सकता है। अब देखो, यदि कंप्लीमेंट नाउन होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यदि बच्चे काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले आपको, यदि गिन सकते हैं तो इससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि ये सिंगुलर में है या प्लुरल में है, ये बताना पड़ेगा। यदि सिंगुलर में है काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर आपने नया शब्द हमारे लिए आर्टिकल दे दिया, अच्छा चलो ये वर्ड भूल जाओ, ये नहीं अभी समझ में आ रहा है, तो
ए और एन लगाएंगे, ऐसा समझ लो, ये लगाना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि वह सिंगुलर में है, तभी जाके हमारा कॉम्प्लीमेंट वर्ब के साथ और सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, नहीं तो एग्री नहीं करेगा। ठीक है ना बच्चे, ये शब्द देख लो। अब यदि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसको अभी ध्यान देना पड़ेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसको कैसे लिखोगे, आप देखो जिसमें हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसका पहला जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या वॉवल तो नहीं है, ए ई आई ओ यू ये वाला तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा तो शब्द, ऐसा कोई उसका और ऐसा कोई उसकी उच्चारण, उच्चारण कोई इन जैसा तो नहीं है, यानी भले ही वो वॉवल नहीं हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवल जैसा तो नहीं है। जैसे मान लो एच आ गया, एच मतलब आवर लिखते हैं ना, आवर तो है तो एच, एच तो कॉन्सोनेंट है, बट उसका हिंदी में उच्चारण देखो तो आवर बोलते हैं, यानी अ बोलते हैं, यानी अ आ ई ई ये स्वर होते हैं ना हिंदी में, तो इस तरह के यदि उच्चारण आता है बच्चे तो उसको हम एन लगाना पड़ेगा उसके आगे, और यदि इस तरह का नहीं है तो सबके साथ ए लगाना पड़ेगा। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा, प्लूरल के साथ ऐसा नहीं होगा, प्लूरल के साथ उसको प्लूरल बना दोगे। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके साथ कि हम एक सब्जेक्ट ले लिए, ए भी ले लिए और कॉम्प्लीमेंट ले लिए। ठीक है बच्चे, सब्जेक्ट में मैंने एज ए ही ले लिया और प्रेजेंट में हमें यूज़ करना है तो इज ले लिया, और कॉम्प्लीमेंट में मान लो मैंने एक नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट बॉय ले लिया तो ही इज बॉय। ठीक है, ये तीन शब्द हो गए। अब मैं ये आपको सिखा रहा था कि बच्चे कॉम्प्लीमेंट में ये चेक करना है आपको कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ, जिसको गिन सकते हैं बॉय को तो गिन सकते हैं ना, जब ये काउंटेबल नाउन है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आप बोलेंगे सर बॉय तो सिंगुलर लिखा है, जब सिंगुलर लिखा है तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। अब चेक करेंगे कि एन यदि लगाना होगा तो क्या होगा, उच्चारण उसका वॉवल जैसा आ रहा है, स्वर जैसा आ रहा है तो हमें एन लगाना पड़ेगा। अब देखो बी से शुरू हुआ, बी तो बॉय, बॉय ऐसे लिखे ना, ब मीन्स ब क्या होता है, ब एक व्यंजन होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे अ बॉय लिखेंगे तब जाके ये करेक्ट होगा। यानी जो यहाँ से ले लो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट एस एस एस, अब तीन बार एस 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 हो गया। ठीक है, अब देखो दिस इज अ बॉय, ये करेक्ट हो गया। अब ही इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज ए बॉय ये भी करेक्ट है, ये वाला फंक्शन करेगा। ठीक है, अब इसी का मान लो आप लिखना चाहते हो कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल में क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर से पहले ये जब देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन एन जैसा नहीं हो रहा है, ड जैसा आ रहा है, तो ड मतलब ए लगाना पड़ेगा, ही इज ए डॉक्टर। अब मान लो मैं कोई और ले लिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट एज ए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्लूरल हमने ले लिया, तो फिर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होगा और हमारा ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, तो ये एस 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 जो हमने सीखा था इसके जगह पे पी 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 करना पड़ेगा। अब देखो हमने प्लूरल ले लिया दे, तो आर लिखना पड़ेगा, दे आर, अब डॉक्टर के बजाय डॉक्टर्स करना पड़ेगा तब जाके सही होगा, और यहाँ पे वही सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला नियम, ये किसी में एस ई एस जोड़ते हैं आपने सीख लिया था कि एस केवल यहाँ पे जोड़ा जाएगा। अब मान लो एक और ले लेते हैं कि मनोज इज एम एल ए, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मनोज इज एम एल ए, तो ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, बोला है सर, तो आपके साथ क्या लगाना पड़ेगा, ए या एन लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर में है,
तो ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? अब बोलोगे सर ए ई आई ओ यू के हिसाब से, तो ए ई आई ओ यू के हिसाब से तो इसमें ए लगना चाहिए। लेकिन मैंने बोला बच्चे नहीं, सिर्फ इतने से धोखा खा जाओगे, एग्ज़ाम में यही आता है धोखा खिलाने के लिए। अब ए एम एल ए नहीं होगा, ही इज ए एम एल ए नहीं होगा। देखो हिंदी में उच्चारण कर देखो, एम एल ए, तो पहला ए जो है ये ए, एम का ए, ए का उच्चारण किसका जैसा है? बावेल जैसा। ओ आ ई ई में ए आता ना, ए आए, तो ए जैसा, इसलिए ही इज अ एम एल ए बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब देखो दिस करेक्ट है क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लगा दिया। ये काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने ए लगा दिया। और देखो आप बोलोगे कि सर ए ई आई ओ यू वाला है इसलिए एन लगा दो, एग्ज़ाम में यही आएगा आपको गुमराह करने के लिए। ए यूनिवर्सिटी करेक्ट है क्योंकि इसको हम यूनिवर्सिटी ऐसे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। यू यू क्या है? व्यंजन है, क ख ग से ज्ञ के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ए यूनिवर्सिटी एन एम एल ए, ठीक है, ये दोनों चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। भले ही देखने में कॉन्सोनेंट जैसा लग रहा है बट प्रोनंसिएशन चूंकि व्यंजन का नहीं है, स्वर का है, इसलिए एन लगाना पड़ेगा। ये देखने में स्वर के ही ए आई ओ ए ई आई ओ यू में से आ रहा है, फिर भी इसके साथ ए लगाना पड़ेगा। तो ए यूनिवर्सिटी एन एम एल ए, ये करेक्ट है ना? बहुत ध्यान से सुनना, यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और देख लेते हैं एक दो चीज़ें ए और एन में। मान लो हमने और भी पढ़ा है कि डॉक्टर्स आर मेन, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, या डॉक्टर इज अ मैन, ऐसे कर देते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों करेक्ट है कि नहीं है? है ना, ये प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट है, नाउन एज ए सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म की, और कंप्लीमेंट हमारा प्लूरल, तो मैन का मेन हो गया। अब ये सिंगुलर हमारा है डॉक्टर, ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर हो गई, और ये काउंटेबल नाउन है मैन, और ये एक के बारे में बात कर ली इसलिए मैन कर दी। ठीक है, ओके। तो इसी तरह बच्चे आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो कंप्लीमेंट भी करेक्ट आपका आ गया, वहाँ भी हमने देख लिया ए लगाएं एन लगाएं, ये सिंगुलर है तो, और ये सिंगुलर नहीं है तो हमको प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमें ए एन लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना बच्चे, इसमें कुछ चीज़ें और आपको देखो, जैसे यूनियन आता है, यूनियन, यूनियन क्या है? यू से शुरू होता है फिर भी ए लगाएंगे, दिस इज अ यूनियन। अब यूनियन चूंकि यू से शुरू हो रहा है लेकिन मैंने बताया ऐसे लिखेंगे हिंदी में, इसलिए ए लगेगा, इसलिए करेक्ट होगा। दिस इज अ यूनाइटेड फ्रंट, दिस इज अ यूनिकॉर्न, दिस इज अ यूज्ड नैपकिन, अ यूएस सीप, यूएस देखो यू भले ही है बट यूएस ऐसे लिखते ना हिंदी में, इसलिए ए वन लेग्ड मैन, देखो ए मीन्स ऐसे कह दें कि मनीष इज अ वन लेग्ड मैन। तो देखो ये वन वन की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है? वा वा ऐसे आता है बच्चे, वन ऐसे लिखते हैं ना वन, इसलिए इस ओ से स्टार्ट होने के बावजूद भी यानी ए ई आई ओ यू, इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में रहोगे तो कंपटीशन में गलतियाँ होंगी। आपको हिंदी में उसका मीनिंग देख लो, हिंदी में मीनिंग देखते ही आप करेक्ट लिखना शुरू करें। सो मनीष इज ए वन लेग्ड मैन लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो फोनेटिक्स पे, इसके प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना। यदि हिंदी में हिंदी में यदि आपका प्रोनंसिएशन ठीक है तो आप इसको सही कर लोगे। ठीक है, इसके साथ ही आज के बच्चे क्लास को